अगली खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां सस्ते प्लॉट का झांसा देकर और खुद को गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष बताकर एक युवक से 1.25 लाख रुपए ठग लिए हैं। घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के टीपी नगर स्थित शंकरपुर की है। ठगी का पता उस समय चला जब प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हुई और आरोपी हर बार नया वादा करते रहे। जब पीड़ित परेशान हो गया तो थाने पहुंचा और मामले की शिकायत की। पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र स्थित अचलेश्वर बिहार कॉलोनी निवासी उमेश सिंह भदौरिया पुत्र अर्जुन सिंह भदौरिया ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं। वर्ष 2012 में उनकी मुलाकात भगत सिंह व गुलाब चंद से हुई। भगत सिंह ने खुद को जनक गृह निर्माण सहकारी समिति ग्वालियर का अध्यक्ष बताया, जिस पर उमेश ने उनसे एक अच्छा प्लॉट दिलाने की बात की तो उन्होंने और गुलाब चंद्र गोयल ने शंकरपुर स्थित एक प्लॉट दिलाने का वादा किया। प्लॉट के एवज में उनसे 1.25 लाख रुपए ले लिए। इसके बाद कारोबारी रजिस्ट्री के तय समय से लेकर अब तक उन पर दबाव बनाता रहा और वह वादे पर वादे करते रहे। काफी समय बीतने पर भी जब रजिस्ट्री नहीं हुई तो पीड़ित थाने पहुंचा और मामले की शिकायत की। पुलिस ने उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बहोड़ापुर थाना प्रभारी डॉक्टर संतोष सिंह यादव का कहना है कि पीड़ित की शिकायत की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.